समोसे खाने का मन है लेकिन डीप फ्राई होने की वजह से नहीं पा पा रहे हैं, तो एक बार ये समोसा पराठा ज़रूर ट्राई करिए। बनाना है बहुत आसान और नॉर्मल वाले पराठे से इसका बहुत ही अलग टेस्ट है। एक बार बनाएंगे बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी का जार लेना है, उसमें हमें एक मुट्ठी के बराबर धनिया पत्ती और हाफ इंच का अदरक का टुकड़ा, उसका छिलका हटा दें, धो लें एक बार उसको, थोड़ी सी पुदीने की पत्ती और 8 से 10 कड़ी पत्ते, एक कम तीखी वाली हरी मिर्ची, यदि बच्चे हो तो आप तीखी ना लें और बच्चे नहीं पा रहे तो थोड़ा सा तीखा चलेगा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 8 से 6 काली मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ, 1/2 चम्मच अजवाइन जो पाचन में बहुत अच्छी होती है, जब भी हैवी चीज हो तो थोड़ा सा ऐड जरूर करें, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 नींबू का रस। अब इसको हमें पीसना है, इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है, बस 1 से 2 बार घुमाना और ये इस तरीके का एक ड्राई मसाला आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें बाउल में निकालना है अलग। और 3 यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं और आलू को हमें छिलका निकाल के उसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। एक फ्राई पैन या कढ़ाई लें, उसमें 1 चम्मच हमें ऑयल लेना है, जैसे ही गरम होगा हम 1/2 चम्मच इसमें जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच साबुत खड़ा धनिया डाल के इसको एक बार मिक्स करेंगे और जब भी हमारे मसाले हल्के से तड़क जाएं, भुन जाएं यानी, उसके बाद में जो ड्राई मसाला हमने तैयार किया है उसको ऐड करना है। 2 मिनट अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। तो ये जैसे ही हमारे मसाले भुन जाएंगे, अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच पाव भाजी मसाला, नमक वो भी हम यहाँ 1/2 चम्मच ही लेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब इसको हमें मिक्स करना है और फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने उबले हुए मैश किए हुए आलू और 2 से 3 मिनट अच्छे से हमें अपने आलूओं को मसालों के साथ में पकाना है लो मीडियम गैस पर। तो लगातार इसको चलाते रहें और फिर उसके बाद में हमें इसको ठंडा करना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसको चला दें और बीच बीच में इसको देख लें। तो मसाला हमारा परफेक्ट तैयार हो गया है। ठंडा होने के लिए अलग बाउल में निकाल दें। एक बाउल में हमने यहाँ पर 1/2 कप गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, इसको मिक्स करेंगे और इसका हमें एकदम से सॉफ्ट डो लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें बीच बीच में ऐड करके हमें लगाना है। तो कई बार इस पूछा गया है कि माता जी आप आटे की रेसिपी शेयर करिए, एक कमेंट आया था एक प्रभु जी का, तो इस तरीके से आटा लगाना है और फिर उसमें हमें ऑयल डालना है और फिर 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रखना है जिससे हमारा आटा अच्छे तरीके से सॉफ्ट और फूल जाएगा। अब इसकी हमें छोटी छोटी सी बॉल बनानी है, तो समान आकार की बना लें और फिर इसको राउंड करना है। दोनों हथेलियों के बीच में रख के हल्का सा प्रेस करके उंगलियों की सहायता से बढ़ाएं और फिर इसमें हम फिल करेंगे अपना समोसे के लिए जो हमने तैयार किया है ना,
मसाला आलू वाला वो तो अच्छे से फिल करना है दबा दबा के, इसमें कंजूसाई बिल्कुल नहीं करनी है। और फिर इसको इस तरीके से उंगलियों की सहायता से बंद करना है। एक्स्ट्रा पार्ट हो आटे का तो उसको निकाल दें। हल्का सा इसको हम डस्ट करेंगे सूखे आटे से, सूखा आटा इस पर लपेट के, और इसको हमें बेलना है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। तो जब भी समोसा खाने का मन हो और लगे कि नहीं हमें मैदा नहीं कंज्यूम करना है और ना ही हमें ऑयली लेना है, तो आप ये पराठा तैयार कर सकते हैं। चाहे तो आप इस पर घी ना लगाएं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पराठा तैयार हो गया है। अब इसको हमें सेकना है दोनों तरफ से। तो देखिए ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला। तो जैसे ही हमारा तवा गर्म होगा तो अच्छे तरीके से लो मीडियम गैस पर दोनों तरफ से पहले इसको पकने देंगे। और यदि आप बिल्कुल ऑयल नहीं पाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो इसमें आप घी ना लगाएं, लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए 4 पराठों में ऑयल लगा के उनको ज़रूर ऑफर कर दें। बाकी आप अपने लिए कुछ भी करें हो चलेगा। तो अब इसको हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। और भगवान श्री जगन्नाथ जी के पराठे मैं हमेशा घी में ही बनाती हूँ, बाकी सदस्यों के लिए रिफाइंड ऑयल में या फिर तेल को गर्म करके ही मैं पराठे बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि सभी घर वालों के लिए घी में पराठे बनते हों, वो केवल भगवान के लिए ही हैं। और ये गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे, समोसा पराठा दही और चटनी के साथ, साथ में माखन हो तो कहने ही क्या। सबसे पहले हम पराठे लेंगे टमाटर की चटनी और दही के साथ, भगवान श्री जगन्नाथ जी को तुलसी रख के अर्पण करेंगे। और पॉसिबल हो तो आप माखन भी साथ में उनको ऑफर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी भोगा रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि भोगा रेसिपीज आपको मिलती रहें। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।